नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 17 जुलाई सोमवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में मॉनसून अब फिर से एक्टिव हो चुका है। सोमवार सुबह अजमेर में तेज बारिश हुई, इससे अजमेर के जेएलएन अस्पताल में पानी भर गया और साथ ही सड़कें भी जलमग्न हो गई। पूर्वी राजस्थान में रविवार देर शाम कई जिलों में अच्छी बारिश हुई। जयपुर, भरतपुर, अजमेर, कोटा और उदयपुर संभाग के जिलों में 1 से लेकर 6 इंच तक पानी बरसा। मौसम विशेषज्ञों ने राज्य में अब अगले 3 से 4 दिन तक अच्छी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अनुमान के मुताबिक पूर्वी राजस्थान के कुछ जिलों में भारी बारिश हो सकती है। पिछले 24 घंटे के दौरान जयपुर, करौली, टोंक, अलवर, बूंदी, बारा, भरतपुर समेत कई जिलों में तेज बारिश देखने को मिली है। टोंक में बारिश के कारण बिसलपुर बांध का जल स्तर भी बढ़ गया है। जयपुर एसीबी ने आज 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एक व्यापारी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। रिश्वतखोर पटवारी अधिकार शर्मा के घर और अन्य ठिकानों पर एसीबी की टीमों ने सर्च की है। आरोपी ने परिवादी से आवासीय कॉलोनी में 2 प्लाटों की भूमि से रास्ता नहीं निकालने एवं इस प्रक्रिया पर स्टे लेने हेतु समय देने की एवज में 1 लाख रुपए की डिमांड की थी। डिमांड करने के बाद पटवारी ने पीड़ित को इतना परेशान किया कि वह एसीबी मुख्यालय पहुंचा और अधिकारियों को शिकायत दी, जिसके बाद आज ट्रैप की कार्यवाही की गई। राजस्थान सरकार महिला सशक्तिकरण एवं महिला उत्थान के लिए विभिन्न कदम उठा रही है। इस क्रम में प्रदेश के 351 ब्लॉक में महिला ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन किया जाएगा। इन समितियों के अंशदान की 10.53 करोड़ की राशि राजस्थान सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। गहलोत द्वारा दी गई स्वीकृति के अनुसार इन महिला ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन हेतु अंशदान के रूप में प्रति समिति 3 लाख रुपए की राशि राज्य सरकार वहन करेगी। राजनीति में लोग क्या क्या नहीं करते हैं, कभी अपनी संतान को दूसरों को गोद दे देते हैं तो कभी अपनी ही संतान के फर्जी दस्तावेज बनवा लेते हैं। ऐसा ही एक मामला कोटा जिले के इटावा नगर पालिका में सामने आया है। इटावा नगर पालिका के अध्यक्ष रजनी सोनी ने अपनी तीसरी संतान को छुपाते हुए उसका फर्जी प्रमाण पत्र बनवा लिया। चुनाव के दौरान पेश किए गए शपथ पत्र में उन्होंने अपनी 2 ही संतानें बताई है। ऐसे में उनके खिलाफ न्यायालय में परिवाद पेश किया गया है। न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए थाने में रजनी सोनी सहित फर्जी प्रमाण पत्र बनाने वालों के खिलाफ भी मामला दर्ज कर जांच के आदेश दिए हैं। राजस्थान विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान स्पीकर सीपी जोशी और नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के बीच जमकर नोकझोंक हो गई। बीजेपी विधायकों ने वेल में आकर नारेबाजी की। इसके बाद प्रश्नकाल का बहिष्कार करके चले गए और बिना बीजेपी विधायकों के ही प्रश्नकाल चला। 12 बजे शून्यकाल की कार्यवाही शुरू होने के बाद बीजेपी विधायक वापस लौटे। विवाद की शुरुआत खाद्य विभाग से जुड़े सवाल से हुई। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ से खाद्य मंत्री से सवाल किए, इसे स्पीकर ने अप्रासंगिक बताकर खारिज कर दिया। इस पर नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने स्पीकर से सवाल किया कि सवाल इंटरवेलेंट कैसे हो गया। देश भर में बढ़ती टमाटरों की कीमतों ने केंद्र और राजस्थान सरकार दोनों को ही परेशानी बढ़ा दी है। राजस्थान में अगले 4 माह में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में महंगाई मुद्दा न बने इसलिए केंद्र सरकार ने टमाटर सस्ती दरों पर बेचने शुरू कर दिए हैं। शुरुआत आज जयपुर और कोटा में भी हो गई है। जयपुर में केंद्रीय एजेंसी राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ 10 वैन लगाकर 80 रुपए किलोग्राम के रेट पर टमाटर बेच रहा है। एक बार में एक व्यक्ति सिर्फ 2 किलो टमाटर ही ले सकेगा। हनुमानगढ़ में घग्गर नदी में बाढ़ के खतरे को लेकर कलेक्टर, एसीपी और जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता अलर्ट मोड पर हैं। हरियाणा के ओटू हेड में अब तक का अधिकतम पानी पहुंच गया है और ओटू हेड से घग्गर नदी में 26,000 क्यूसिक से अधिक पानी छोड़ा गया है, जो सोमवार सुबह हनुमानगढ़ पहुंच गया। पूरे प्रशासन का ध्यान भी घग्गर नदी के बहाव क्षेत्र के गांवों और शहरों पर है। सभी विभागों की कुशल योजना से स्थिति नियंत्रण में है। लोगों का भी सहयोग मिल रहा है। उम्मीद है कि हिमाचल में लगातार बरसात नहीं हुई तो पानी सुरक्षित प्रवाहित हो जाएगा। इतिहास में पहली बार डायवर्जन चैनल 629 RD के गेट खोलते हुए घग्गर नदी से इंदिरा गांधी नहर में भी पानी डालना शुरू किया गया है। कोटा के ग्रामीण इलाकों में बिजली की समस्याओं को लेकर बीजेपी आज सड़क पर उतरी। पूर्व विधायक हीरालाल नागर की अगुवाई में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नयापुर बिजली विभाग कार्यालय पर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में किसानों को 8 घंटे बिजली निर्वाह रूप से देने का वादा किया था
और आज किसान अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। राजस्थान के परिवहन राज्य मंत्री ब्रजेंद्र सिंह ओला ने सोमवार को विधानसभा में बताया कि विगत 2 वर्षों में बीकानेर संभाग में निजी बसों को 872 नए परमिट जारी किए गए। परिवहन राज्य मंत्री ने प्रश्नकाल में विधायक श्रीमती संतोष के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में बताया कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा बीकानेर संभाग में विगत 2 वर्षों में 35 नई बसें संचालित की गई तथा 7 मार्गों पर बसों का संचालन बंद किया गया। उन्होंने विवरण सदन के पटल पर रखा। सवाई माधोपुर के चोत का बरवाड़ा तहसील क्षेत्र में बहने वाली गलवा नदी में इन दिनों तेज उफान आया हुआ है। इसके चलते नदी के दूसरे छोर पर स्थित 15 से अधिक गांव का चोत का बरवाड़ा और जिला मुख्यालय से सीधा संपर्क कट गया है, जिससे लोगों को काफी असुविधा हो रही है। लोगों को कई किलोमीटर लंबा चलकर लगातार तहसील और जिला मुख्यालय पर जाना पड़ता है। इसके साथ ही बरास नदी में भी लगातार बारिश के कारण पानी की आवक तेज हो गई है। चोत का बरवाड़ा और टोंक जिले में पिछले 2 दिनों के दौरान जबरदस्त बारिश दर्ज हुई है। अजमेर में बेरोजगार युवाओं के महाघेराव में आमंत्रित करने का काम कर रही आई सेल की टीम इसे सफल बनाने में जुटी है। आईटी सेल के साथ भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष राहुल जायसवाल ने बताया कि लोक सेवा आयोग के महाघेराव से पहले माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आयोजित सभा को प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़, भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या, मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष अंकित चेची, अजमेर व अलवर सांसद भागीरथ चौधरी एवं बाबा बालकनाथ भी संबोधित करेंगे। रेलवे ने श्रावणी मेले के अवसर पर अतिरिक्त यात्री भार को ध्यान में रखते हुए रेलगाड़ियों की सुविधा के लिए कोटा होकर जाने वाली गाड़ी भागलपुर अजमेर भागलपुर साप्ताहिक एक्सप्रेस का दोनों दिशाओं में सुल्तानगंज स्टेशन पर 31 अगस्त तक 2 मिनट का ठहराव प्रदान किया है। कोटा मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक रोहित मालवीय ने बताया कि गाड़ी संख्या 13423 भागलपुर अजमेर साप्ताहिक एक्सप्रेस सुल्तानगंज स्टेशन पर दोपहर 1:43 बजे आगमन एवं 1:45 पर प्रस्थान करेगी। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की अध्यक्षता में आयोजित इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की वार्षिक साधारण सभा की बैठक में सोमवार को राजभवन से वर्चुअल भाग लिया। राष्ट्रपति के उद्बोधन के बाद वार्षिक साधारण सभा के अंतर्गत रेड क्रॉस सोसाइटी का कार्यवाही सत्र आयोजित किया गया। राज्यपाल कलराज मिश्र ने इसमें भाग लेते हुए राजस्थान में रेड क्रॉस सोसाइटी के सुदृढ़ीकरण और इसके जरिए हो रहे विशिष्ट कार्यों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राजस्थान में रेड क्रॉस के जरिए आपदा के समय ही नहीं बल्कि निरंतर समाज सेवा का कार्य किया जा रहा है। राजस्थान के देवस्थान मंत्री श्रीमती शकुंतला रावत ने सोमवार को विधानसभा में बताया कि देवस्थान विभाग के अधीन मंदिरों की सुरक्षा संरक्षण रखरखाव एवं पूजा पाठ हेतु समय समय पर राशि में वृद्धि की जाती है। देवस्थान मंत्री प्रश्नकाल में विधायक लाखन सिंह के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में बताया कि प्रदेश के मंदिरों की पोशाक रंग रोगन मरम्मत का कार्य करवाने हेतु राज्य सरकार ने 15 मई 2023 को स्वीकृति जारी की है। उन्होंने बताया कि देवस्थान विभाग द्वारा प्रबंधित एवं नियंत्रित मंदिरों की संपत्तियां किराए पर दी जाती है। जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में 23 जुलाई को आयोजित किए जा रहे विराट अग्रम महाकुंभ के लिए अग्रवाल समाज ने हर घर की हो भागीदारी का नारा दिया है। अग्रवाल समाज की विभिन्न समितियों के माध्यम से अग्रवाल समाज के हर घर से कम एक व्यक्ति को महाकुंभ में आने का आह्वान किया है। इसके लिए सघन जन संपर्क किया जा रहा है। समाज की महिलाओं और युवा शक्ति ने भी अलग से टीमों का गठन कर महाकुंभ को सफल बनाने का मोर्चा संभाल लिया है। महाकुंभ में कम से कम 1 लाख लोगों की उपस्थिति का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अग्रम महाकुंभ के स्वागत अध्यक्ष राजेंद्र पेड़िया ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनावों में सभी प्रमुख राजनीतिक दलों में कम से कम 20 टिकटों की मांग की गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ।